देखिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसके डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसी की मैचिंग की है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसकी बस फिटिंग अभी नहीं है जो मुझे करनी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब। आजकल मैं आपको डेली साड़ी में नज़र आ रही हूँ, क्योंकि मैं साड़ी मुझे पहनना अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है तो मैंने सोचा अब डेली साड़ी डाली जाए, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए डालती हूँ, उसके बाद अपना वर्कआउट करती हूँ ना, तो मैं साड़ी चेंज कर लेती हूँ। तो आज है 2 अक्टूबर, तो आज गांधी जयंती की सबकी छुट्टी है और मैंने अभी इंस्टाग्राम के लिए एक रील बनाई थी। क्या बोल रहा बेटा? मैं बोल रहा हूँ मैं जिम जाने के लिए लेट रहा था, तो प्लीज आप मेरे लिए शेक बना के दे दो। अच्छा, मैं जल्दी जिम जा सकूँ। ठीक है, आप लेट प्लीज मेरे को मत करवाइए। कितने बजे जाएगा? 5:30। हाँ 5:30 ले जाऊँगा। तो 5:30 बज चुके हैं और इतना लेट तो करवा चुकी है मम्मी, और देखते हैं अब और कितना लेट करवाएंगे। अब लेट नहीं होने वाला, अब मेरा काम जो होना था हो गया, अब मैं यहाँ पे बाद में ठीक ठाक करूंगी ये सब कुछ। पहले बेटा ये बंद कर देना, मेरा मैं बाद में ठीक करूंगी, तो पहले मैं इसके लिए शेक बना के दे देती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में। बेटा लाइट बंद कर दो। विश्वास से पूछना, उसको भी पीना है क्या? एक साथ बना दूंगी दोनों का। तो पूजा क्या कर रहे हो? मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए बनाना शेक। ये नहीं, पहले जिम से, जिम के आने के बाद पीते थे और अब जो अब जिम कह रहे ना मम्मी, मैं पहले पी के जाऊंगा, उसको मतलब पेट में जलन सी हो रही है। अच्छा। तो इसलिए तो फिर मैंने सोचा। अच्छा, आपने साड़ी बहुत दिनों बाद पहनी, लग रहा है एक अभी कुछ दिन पहले पहनी थी या फिर 3 दिन में कंटिन्यू साड़ी पहन रही हूँ। अच्छा। क्योंकि ना मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो नहीं तो मैं साड़ी पहनना बंद कर दूंगी ना, मेरी जो साड़ी है ना वो रखी रह जाएंगे अलमीरा में, तो इसलिए। चलो ठीक है, कभी इनका मुहूर्त तो निकला, ब्लाउज इतने साड़ी इतनी पहनना नहीं, बस क्यों पहनना, क्यों यार पहनी नहीं, तीन दिन से कंटिन्यू पहन रही हूँ। मैडम की तबीयत खराब चल रही थी, वो तो अभी मुझे लग रहा है 1-2 दिन से ठीक हुई है। अभी मैं ठीक हुई हूँ, अब मतलब मैं अच्छे से ठीक हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। और दोस्तों कैसे हो आप लोग, और पूजा अपने काम में लगी हुई है तब तक, और तब तक मैं भी अपने काम निपट लेता हूँ, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, और आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही दाढ़ी मेरी काफ़ी बढ़ चुकी है, और लेकिन अभी सराज चल रहे हैं तो मैं जो है इसको कटवाना थोड़ा अवॉइड करूँगा, शायद नवरात्रों में भी कटवा लूँ या ना कटवाऊँ अभी देखता हूँ, पंडित से पूछना पड़ेगा। हैं? जिन चीजों में परहेज करना चाहिए ना उनमें तो करते नहीं है, और जिन चीजों में नहीं करना चाहिए उनमें परहेज करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, कोशिश पूरी रहती है, और अगर नहीं हो पाए तो फिर कह नहीं सकता, अदरवाइज तो सराज चल रहे हैं तो। लेकिन जो है कि अब पंडित से मजाक कर रहा हूँ, खैर वो तो, और हंसाने के लिए बोला था मैंने पूजा मैडम को और आप लोगों को, लेकिन ठीक है। और अभी देखो, अभी तो खैर नहीं कटवाऊंगा, लेकिन नवरात्रों में शायद कटवा लूँ या नवरात्रों के बाद ही कटवाऊंगा। तो साथियों, पूजा मैडम जरा लहराने लग रही हैं, और वो बनाने लग रही बनाना शेक, और बस जरा सा कैमरा सामने आ गया तो बस स्टार्ट हो गई अपने बालों को दिखाना। परेशान हो गया, याददाश्त नहीं, कमजोर हो गई है ना, अब देखो बनाना सेक बना रही है, लेकिन वो बनाना अब कहीं बनाने की ड्यूटी इनकी है, ठीक है। अभी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हर चीज का मैं ध्यान नहीं रखूंगी भाई, ये इनका डेली का काम है दूध मंगाना लाना जो भी है, और आज दूध नहीं आया तो अब शेक बनना तो मुझे ध्यान आई, और चाय के लिए दूध था तो मैंने उसकी दूध चाय बना के दे दी। अपनी जल्दी से मंगा, फिर बच्चे, क्योंकि मॉर्निंग में जो दूध आता है ना, इनकी ड्यूटी होती है दूध लाने की, ये बच्चों से मंगाए या खुद लेके आए, और मैं भी यार कितनी चीजों का ध्यान रखूँ, हर चीज का, तो मैं भी मेरे माइंड से कभी कभार निकल जाता है। और मैं क्या करती हूँ ना, नाइट में जो दूध होता है ना, कम से कम 2 पैकेट दूध का बचा के रखती हूँ, जैसे कि मॉर्निंग में चाय बनानी होती है, या फिर ये एक बार और कोई आ जाए घर में तो उनके लिए चाय बना के दे दो, या फिर रखा रहे शाम की चाय के लिए दूध रखा रहे, तो इतना मैं दूध रखती हूँ। और आज तो माइंड से निकल गया दूध लाना, अब उसने बोला ना विशेष की मेरी शेक बना के दे दो, तो अब मैंने दूध निकाला फ्रिज से, तो है ही नहीं दूध। अपने नेचर पूजा को ये देखो जग लेके बैठी है, पूरा बच्चे के नाम का खुद पी रही है, और किससे पी रही है, गिलास भी नहीं, पूरा
देखो अभी यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। देखो देखो उसके, उसके, उसके पानी का पानी उसके पास रखा है। देखो ये है इसका और ये है मेरा जो मैं सेल कर रही हूँ अभी। और ये विश्वास रखा तो तेरे पास था, रखा तो तेरे पास था। ऐसे क्या मत करो, वो यहाँ पे सामने रखा हुआ, रखा तो यहाँ पे और भी बहुत। दोस्तों मैंने पार्सल कर दिया इस तरफ विश्वास की तरफ। अच्छा वो पता दे रहे थे लेकिन तेरी मम्मी के पास रखा था, मैं दर्शकों को दिखाने लग गया कि भाई देखो देख लो नेचुरल पूजा को। मैं शेक भी नहीं, ना मैं पीती ना मैं तेरी ये बना दी दोनों मसूरी। आज क्या हुआ, एक मिनट, ये तो उस टाइम पे सो जाता है ठीक है। अब तो जगा हुआ चार बजे, जगा हुआ चार बजे, मेरे पास और काम होता है। मैंने बोला 3 से 4 बजे का मेरा टाइम है लेकिन उस समय सो जाता है। उस समय पे मैं अपनी मेरी हाँ मैं उस समय वीडियो शूट कर रही थी, फिर मैं ना छूटी। फिर आज ये मैंने सोचा चलो गो क्यों रहे, गांधी जयंती है गांधी जयंती मना ले कल करूंगी। कल चरखा चलाया था आज, चरखा चलाया था आज, चरखा चला नहीं गया। एंजॉय करो जो गांधी जी मान लीजिए इतना कुछ करके गए, आजाद करके गए हमें। जियो आजादी से, जियो आजादी से। ठीक है साथी इसको उड़ने दो, ठीक है थोड़ी देर में मिलते हैं एवरीवन। ये विश्वास सॉरी विशेष हमारा तैयार हो चुका है और ये जो है जो सॉरी ये जो है अब जिम जा रहा है और मैंने बोला था बेटा जिम जाए तो मिलके जाना, तो अब बोलने आया कि पापा मैं जिम जा रहा हूँ, तो मैंने कहा 2 मिनट रुक जा फिर शायद एक थोड़ी सी बातचीत ही कर लें। तो अब कितने दिन हो गए तुम्हें जिम जाते हुए बेटा ये बताओ? मेरे को हो गए हैं 2 साल 5 महीने। 5 महीने हो गए। और ये साथी एक दूसरा है छुटकू विश्वास साहब, काफी दिन से जिम जा रहे हैं, 5 महीने हो गए लेकिन अभी इनके मसल्स अभी बनने स्टार्ट नहीं हुए, तो अभी जब बन जाएंगे तब बताएंगे। क्योंकि आजकल अगर पापा जिम जाए तो पापा थोड़ी देर में पतले हो सकते हैं। मैं हो सकता हूँ लेकिन एक्चुअली क्या है, मैं एक्चुअली हाँ सच्चाई तो ये है और मैं एक्चुअली क्या है ऐसे ही ठीक हूँ यार, तो जब मौका ऐसा लगेगा कि मुझे होना है तो फिर देख कोशिश करेंगे। बाकी दोनों बच्चे फिट हैं और ये इसकी हाइट बहुत अच्छी है विशेष की हमारे, और ये मुझसे लंबा हो चुका है फिलहाल। देखो ये लंबू देखो कितनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी उसके बराबर नहीं है अभी फिलहाल। विश्वास मेरे बराबर है और विशेष हमसे लंबा है। पापा लेट हो रहे हैं, हम जा रहे हैं, तुझे बोल रहा हूँ लेकिन आपकी कॉल आ रही है, आपकी कॉल आ रही है, कॉल आ रही है। तो देखिए मैं आपको क्या दिखाती हूँ, मैंने कुछ ज्वेलरी ली थी ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ एकदम सिंपल सी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मतलब अगर हम इसे सूट के ऊपर डालेंगे तो भी अच्छी लगेगी, साड़ी के ऊपर पहनेंगे तो भी अच्छी लगेगी। और आपने देखा होगा मुझे हैवी ज्वेलरी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं जब भी कोई भी ज्वेलरी पहनती हूँ ना तो लाइट में पहनती हूँ, लाइट वेट होती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ इतना है कि इयर रिंग्स पहन लेती हूँ, वो भी मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनती। और ये तो मेरा पहले से ही था, मंगलसूत्र में है, बहुत ही प्यारा सा, ये तो पहले से ही था मेरे पास जो मैंने आपको दिखा भी दिया था। आपके हो सकता है आपको भी पसंद आए लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली ज्वेलरी, ये आप देखिए, ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ऐसी ज्वेलरी पहनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आप गले में डालोगे ना तो अगर आप सूट पहनोगे तो सूट के ऊपर भी बहुत ही प्यारी सी लगेगी, साड़ी पहनोगे तो उसके ऊपर भी अच्छी लगेगी। लेकिन फिलहाल मैंने ये वाला मंगलसूत्र डाला हुआ है अपना, और ये भी मैं किसी दिन पहनूंगी। इसके साथ में आपको मिलेंगे यहाँ पे ये प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से ये वाले टॉप्स, इस तरीके से स्टोन वाले टॉप्स हैं ये, यहाँ पे आप देखोगे ना इसमें स्टोन लगा हुआ है, एक साइड में स्टोन है और एक साइड में आपको ये वाली डिजाइन मिलेगी ठीक है। और इसके साथ में है ये प्यारी सी, आपको दिखाती हूँ डाल के, ये आपको रिंग मिलेगी यहाँ पे, इसके साथ में ये आपको रिंग मिलेगी और इसी की मैचिंग की है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये वाली ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैंने सोचा मुझे पसंद है तो आपको भी दिखाई देती हूँ। और ये देखिए ये प्यारी सी चेन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसमें काला यहाँ पे मोती भी है और मतलब एक मंगलसूत्र की तरह काम करेगा और बहुत ही प्यारा सा है। ये यहाँ पे आर बना हुआ है जो मेरे हस्बैंड के नाम से है, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा पसंद आया। और ये भी मैं किसी दिन डालूंगी तो आपको पहन के जरूर दिखाऊंगी, लेकिन ये सिंगल आपको मिलेगा, इसमें ना तो इयररिंग्स है। तो एक चीज और दिखाती हूँ मैं आप सभी को, मैंने एक चीज और नहीं दिखाई आपको, ये देखिए ये मैंने ब्लाउज मंगाया था मीशो से ठीक है, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसकी बस फिटिंग अभी नहीं है जो मुझे करनी है अपने साइज के हिसाब से, मैंने अपने साइज से बड़ा ही मंगाया था, मेरे को पता नहीं अपने साइज का मैं मंगाऊं कि उसी साइज में आए या फिर छोटा आए, तो मैं हमेशा बड़ा ही मंगाती हूँ क्योंकि उसकी फिटिंग मैं खुद अपने हिसाब से कर लेती हूँ और इसकी फिटिंग मैं कर भी लूंगी।
और बैक साइड से इसकी आपको जो डिजाइन मिलेगी ऐसी मिलेगी। इसका जो कपड़ा है ना आपको थोड़ा सा सिल्क में मिलेगा, मतलब कपड़े में शाइन है काफ़ी ज़्यादा और सॉफ्ट है, लेकिन कपड़ा जो इसका ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और प्रिंटेड है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो किसी दिन मैं इसे किसी साड़ी के ऊपर डाल के तब आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना, इसका लुक आपको दिखाऊंगी। हो सका तो मैं इसका एक मेकअप वीडियो निकालूं जो आपको ब्लॉग चैनल पे अपलोड करूंगी, ठीक है ना। तो मैं इसको भी रख देती हूँ। और आपको ये ब्लाउज कैसा लगा तो मुझे बताना कमेंट्स करके, ठीक है। और ये कितने का है? 467 बस। और इतना तो आप अगर टेलर के पास जाओगे ना तो सिलाई का ही ले लेते हैं, है ना। विशेष आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया बेटा? आज का न्यूज़पेपर अभी तक तो नहीं पढ़ा है। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। और दिन पूरा दिन नहीं होता था। संडे है ना आज? आज जाना नहीं, संडे है, दोस्तों का जाना है। अच्छा। सारा काम हो चुका है और सारा काम करने के बाद जो मेरा पिछला व्लॉग था मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं अपने चेहरे पे दिन में मतलब सनस्क्रीन लगाती हूँ और एलोवेरा जेल में नहाने के बाद लगा लेती हूँ। तो आपने मुझे पूछा था कि मैम आप कौन से सनस्क्रीन लगाते हो तो हमें भी बताना। तो दोस्तों देखिए मैं लगाती हूँ लैक्मे की सन एक्सपर्ट SPF 50 और ये मेरी कम से कम 2 महीने आराम से चल जाती है। लेकिन पहले मैं डायरेक्ट इसे नहीं लगाती, पहले मैं लगाती हूँ एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल के बारे में आपको बता देती हूँ, मेरे पास कम से कम 2 से 3 ब्रांड के हैं और इन सब के रिव्यू मैं नेचुरल पूजा चैनल पे आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ, सबको मैंने बता दिया इनके बारे में। तो मैं कोई सा भी एलोवेरा जेल अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ, ठीक है। और वैसे जो नेचुरल होता है ना, जो प्लांट वाला होता है, उसको भी मैं लगा लेती हूँ। लेकिन क्या है ना, अभी मेरे घर के जो प्लांट्स हैं एकदम छोटे छोटे रह गए, तो मुझे उनको तोड़ने में अच्छा नहीं लगता, एकदम छोटे छोटे से हैं, तो इसलिए तो मैं पहले लगाती हूँ एलोवेरा जेल जो अभी मैं आई हूँ नहा के। तो नहाने के बाद इस तरीके से पहले इसे लगा के मैं कम से कम 2 मिनट के लिए मसाज देती हूँ अपने चेहरे पे हल्के हल्के हाथों से, 2 मिनट नहीं तो 1 मिनट का टाइम तो ज़रूर देती हूँ इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से। तो मेरी स्किन को एलोवेरा जेल काफ़ी ज़्यादा सूट करता है और मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एलोवेरा जेल वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये होता है ना कि हर किसी की स्किन को सूट नहीं करता। जिनके स्किन को ये सूट कर गया ना तो समझ लीजिए उन्हें फिर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे हमें एलोवेरा जेल ही छुटकारा दिला सकता है। जब मुझे ऐसा होता है कि मुझे घर से बाहर जाना है या फिर मेरा मन होता है थोड़ा सा मेकअप करने के लिए, तब मैं इसे इसके ऊपर लगा लेती हूँ। वरना अब मैं दिन में घर में रहूँगी, मुझे कोई वीडियो शूट नहीं करनी, कुछ नहीं करना। और जब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंट्रो बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा तैयार होके, तब मैं इसे लगा लेती हूँ इसके ऊपर, या फिर बाहर जाती हूँ तब लगा लेती हूँ। कुछ मेकअप करने का मन होता है तब भी मैं लगा लेती हूँ। वरना अब मैंने एलोवेरा जेल लगाया ना तो घर में मैं इसी तरीके से एलोवेरा जेल लगा के ही छोड़ देती हूँ। जैसे मैं अब हूँ ना, अब आपके सामने ही लगाया, तो इसी तरीके से मेरा पूरा दिन निकलेगा, मतलब निकल जाएगा। तो अब मैं आपको ये भी लगा के दिखाई देती हूँ, लेकिन फिर आप मुझसे बोलोगे कि आपने लगा के तो दिखाई नहीं, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फिर आप देख सकते हो इसे लगाने के बाद जो मेरी स्किन है आपको कितनी ज़्यादा फेयर नज़र आएगी। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मैं सही बोलती हूँ आपसे, और इसी से मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग बनी रहती है। देखिए अब आपको ऐसा लग रहा होगा मेरी स्किन को देख के कि मैंने कितना ज़्यादा हैवी मेकअप अपने चेहरे पे किया हुआ है, और आपको मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग नज़र आ रही होगी, है ना। बस मेरा इतना ही मेकअप होता है और आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कितना ज़्यादा हैवी मेकअप किया है। अगर मैं हल्की सी लिपस्टिक लगा लूँगी ना तो आपको लगेगा मेरा मेकअप कम्प्लीट हो चुका है। तो दोस्तों बस अगर मैं डेली में कभी मेकअप करती हूँ तो मेरा इतना ही मेकअप होता है। तो लाइट चली गई, लाइट ऑफ हो गई, तो इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। तो डेली में अगर मैं मेकअप भी करती हूँ तो मेरा यही मेकअप होता है, और अपनी हेयर स्टाइल बना देती हूँ, साथ में सिंदूर लगाना है अभी मुझे, अपनी जो आईब्रोज है इनको थोड़ा सा शेप देनी है, और क्या करना है, और बिंदी लगानी है। यही मेरा डेली का मेकअप होता है। जो हम मैरिड होती हैं उनको इतना मेकअप करना चाहिए, क्योंकि ये मेकअप नहीं, ये हमारा सुहाग होता है जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। अब आपसे मुलाकात होगी कल, यानी कि नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।